मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, एक वायर में अगर करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये चीज़ सबसे पहले जो ऑब्जर्व की थी वो एक साइंटिस्ट ने की थी, ओरस्टेड साइंटिस्ट था। ये मैग्नेटिक नीडल लेके बैठ गया होगा लैब में, पर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में करंट दौड़ रहा होगा, मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो कर दी, इसने कहा देखो जी मैग्नेटिक फील्ड है कहीं ना कहीं। उसके आगे नहीं कुछ फर्क कर पाया क्योंकि इसको ये पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इतना बताया। कितना मैग्नेटिक फील्ड है नहीं बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलेंगी नहीं बताया, बस इतना बता दिया। अब क्योंकि साइंटिस्ट कम्युनिटी है आगे एक दूसरे के रिजल्ट के ऊपर और काम करती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बायट सेवर्ट्स, तो उसने अपने नाम का एक लॉ बनाया और उसने मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सिखाया। तो लॉ का नाम क्या है, बायट सेवर्ट्स लॉ। इसने क्या किया, ये कहते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और आप इस करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय बी वेक्टर, राइट। तो ये जो साइंटिस्ट है बायट सेवर्ट्स लॉ, इसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी करंट कैरिंग वायर की कंप्लीट नहीं बताई, इसने क्या कहा कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट में अगर आई करंट है तो ये आपको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा टीबी, या आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे पाएगा पूरी वायर का। तो इसने हमें स्मॉल एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन बताया मैग्नेटिक फील्ड का डीबी क्या होगा। कैसे बताया उसने, अगर मान लो करंट कैरिंग वायर है लंबी चौट जैसी भी होगी, हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, जो डीएल की डायरेक्शन होती है वो ऊपर भी हो सकती है और वो नीचे भी हो सकती है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डीएल की डायरेक्शन है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के साथ चलेगी, तो अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो डीएल की डायरेक्शन भी ऊपर है, और अगर करंट नीचे है तो डीएल भी नीचे है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में करंट ऊपर है तो डीएल ऊपर है। तो ये डीएल है और आर डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, स्मॉल निकालना है डीबी कोई बात नहीं, और आर वेक्टर ये रहा और एंगल इनके बीच में डीएल और आर में एंगल कितना है थीटा, तो डीएल और आर में एंगल क्या हुआ थीटा, राइट। तो बायट सेवर्ट्स लॉ ये बताता है कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डीबी इज प्रपोर्शनल टू करंट आई जो इस वायर में जा रहा है, इज प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएल जो इसमें जा रहा है, इज प्रपोर्शनल टू दो डीएल और आर के बीच में जो एंगल है थीटा उसके साइन थीटा के प्रपोर्शनल। आपको साइन थीटा कॉस थीटा क्यों नहीं, क्योंकि डीबी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर एक वेक्टर है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता था साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आता था, तो इसलिए उसने क्या कहा कि डीबी प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, एंड डीबी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर का स्क्वायर ऑल्सो, तो डीबी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्लियर है। इन चार वैल्यूज के प्रपोर्शनैलिटी में डीबी की वैल्यू अगर हम कंबाइन करें सारा रिजल्ट तो डीबी प्रपोर्शनल टू क्या आएगा, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट लगता है जो मीडियम पे डिपेंडेंट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में लगता था वो कांस्टेंट की वैल्यू जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में होती थी 1/4πε0, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है μ0/4π, तो μ0/4π की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो डीबी की जो वैल्यू है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, ये लॉ ने बताया। देखो इसमें ये नहीं है कि कैसे और क्यों, उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने लॉ बताया, हम तो लॉ देख रहे हैं कि ये लॉ है, कंबाइन करके रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट को अप्लाई करेंगे हम, तो हम लॉ का प्रूफ नहीं देख रहे कि कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंटली उसने किया होगा प्रूफ, तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या आएगा, क्या आएगा μ0/4π, और μ0/4π की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷, ठीक है यहाँ तक। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, म्यू नॉट क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिटिविटी की जगह परमिएबिलिटी, क्लियर है यहाँ तक। परमिएबिलिटी ये बताती, और वैक्यूम, वैक्यूम क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो परमिबिलिटी किसी भी मीडियम की अगर ज़्यादा है, परमिबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, और अगर परमिबिलिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है।
तो ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी है, और अगर किसी और मीडियम की बात होगी तो परमिएबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैक्यूम के लिए रिजल्ट क्लियर है डीबी का। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो डीबी इज अ वेक्टर, डीएल इज अ वेक्टर, आर इज अ वेक्टर और डिवाइडेड बाय आर क्यू। आपको ये कैसे हुआ देखो, आप ओपन करके देखो, इसे ओपन करो क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आएगा डीएल इंटू आर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो डीएल डीएल और आर में, डीएल और आर में एंगल क्या है थीटा, तो यहां पर क्या आएगा डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट यही आएगा, चेक कर लो। तो वेक्टर फॉर्म लिखना आ गया, तो वेक्टर फॉर्म में डीबी वेक्टर इसके इक्वल होगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। तो इसमें डीबी डीबी की वैल्यू स्केलर फॉर्म में ये रही, वेक्टर फॉर्म में ये रही, कोई डाउट। तो अब इसमें यहां मैंने करके भी दिखाया हुआ, देखो ये ओपन करके मैंने दिखाया, आंसर सेम आया। ये जो आई और डीएल है, आई का मतलब क्या होता है करंट, डीएल का मतलब क्या होता है एलिमेंट, तो आई डीएल का मतलब है करंट एलिमेंट, आई डीएल का मतलब है करंट एलिमेंट, याद रखना। जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में डीएल है, तो जिसमें आई है उसमें डीएल है। डीबी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके यूनिट्स क्या होते हैं टेस्ला, तो डीबी के यूनिट्स आएंगे वो किस में आएंगे, वो टेस्ला में आएंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसे मान लो इसको अप्लाई कैसे करना है, ये आपके पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल, इस डीएल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने की बना है 1 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है, आपको 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, अभी नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब एंगल कितना 45, तो इस वायर से 45 डिग्री पे आर डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा आएगा, तो क्या लगेगा बाइट्स वेट्स लॉ। तो यहां पर डीबी की वैल्यू क्या निकलेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना 10^-7, करंट की वैल्यू कितनी है 8, साइन डीएल की वैल्यू कितनी है इसमें डीएल 1 सेंटीमीटर और एंगल कितना है साइन ऑफ 45, आर की वैल्यू 200 सेंटीमीटर, सॉल्व करके टेस्ला में आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्योंकि बी इज अ वेक्टर तो आपको साथ में क्या मेंशन करनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन। इस पूरे यूनिट में सारा खेल है ही डायरेक्शन का, अगर आपको डायरेक्शन नहीं आती तो आप ये लगाओ कि आपका कोई क्वेश्चन ठीक होने वाला है ही नहीं इस चैप्टर का। आप जितना मर्जी फॉर्मूले याद कर लो, जितना मर्जी काम कर लो, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं आई तो सारा एफर्ट आपका खराब हो जाएगा। तो एक तो होता है कि चलो छोड़ो यार डायरेक्शन निकालनी नहीं आती, काम चल जाएगा, काम बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे अच्छा ये चैप्टर को छोड़ दो, चलेगा ही नहीं काम जो मैं कह रहा हूँ, या डायरेक्शन सीख लो, डायरेक्शन सीखो। डायरेक्शन के लिए सपोज करो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, राइट, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, करंट इसमें कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मेरे को इस करंट कैरिंग वायर के करंट की वजह से बी की डायरेक्शन बतानी है, इधर भी बता सकता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पर भी मेरे को नेट जो डायरेक्शन ऑफ बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है यहाँ तक, तो मैं रूल देखो क्या अप्लाई करूँगा, मैं अपना राइट हैंड लूँगा, राइट हैंड का थम करंट के साथ ले जाऊँगा, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो थम कहाँ पर है ऊपर, और अपनी चार फिंगर को घुमाऊँगा इसके आसपास, ऐसे घुमाऊँगा, अगर चार फिंगर घुमा सकता तो पूरा सर्कल ऐसे बनता, जोड़ दो जोड़ दो। अब किसी की फिंगर छोटी है किसी की बड़ी है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, सिंपल है। तो यानी कि लाइंस ही लाइंस पास कर रही हैं इसके आसपास, इमेजिन करो। तो ये क्या लाइंस हैं, इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, तो इमेजिनरी लाइंस हैं ये सारी। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो आप इमेजिन करो कि ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है ऊपर, ये करंट कैरिंग वायर है, और ये तो बहुत बड़ी रिंग ले ली मैंने, इमेजिन करो ये डिस्क नहीं है, एक रिंग ही है, बस ये आउटर सर्कल देखना है इसका। तो ये मेरी, ये जो पेन है ये करंट कैरिंग वायर है और ये मेरी फिंगर्स घूम रही हैं, देखो ये एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये रही, मान लो ये एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। तो कैसे घूम रही है मेरी फिंगर, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो लाइन्स ऐसे घूम रही हैं, करंट अगर नीचे जा रहा है तो लाइन्स उल्टी घूम रही हैं, इमेजिन किया। तो मेरे केस में करंट ऊपर जा रहा है तो लाइन्स ऐसे घूम रही हैं, ये रहा सर्कल, राइट। तो अगर कोई पॉइंट, अगर मुझे यहाँ पे बी निकालना है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का क्या रूल होता था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के ऊपर अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ड्रॉ टेंजेंट,
ड्रॉ टेंजेंट, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का सेम रूल है। तो अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे घूम रही हैं तो आपको यहाँ पर भी निकालना है ड्रॉ अ टेंजेंट, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ओके, आपको यहाँ निकालना है भी ड्रॉ अ टेंजेंट, आपको यहाँ निकालना है भी ड्रॉ अ टेंजेंट अंदर की तरफ, यहाँ निकालना है टेंजेंट, जहाँ निकालना है वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करनी शुरू करो, तो आंसर आ जाएगा बी का। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मान लो मेरे इस केस में सपोज करो मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, तो इसके आसपास कोई भी एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लें, इमेजिनरी है ये, क्या है एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मेरी थंब इधर जा रहा है तो फिंगर ऐसे घूम रही है, तो अगर मुझे इसके अंदर डायरेक्शन निकालनी है बी की, मान लो यहाँ पर निकालनी है, तो ड्रॉ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट कहाँ जाएगा, बोर्ड के अंदर, ये ऊपर नहीं है, ये बोर्ड के इनसाइड है। चलो मैं ऐसा नहीं, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये कहाँ पे जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड, यहाँ पे टेंजेंट कहाँ पर आएगा, बोर्ड के आउटसाइड, फिर यहाँ पे कहाँ क्या आएगा, लेफ्ट, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ में आ रहा है, अगर आपको बी की डायरेक्शन यहाँ निकालनी है तो इनसाइड, यहाँ निकालनी है तो आउटसाइड, यहाँ निकालनी है तो लेफ्ट, यहाँ निकालनी है तो राइट, तो क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे सपोज करो मेरे को मेरे क्वेश्चन में ये करंट कैरिंग वायर गिवन है, ये मान लो आई अमाउंट ऑफ करंट है, मुझे ये पी पॉइंट गिवन है यहाँ पे, तो मुझे बताओ कि बी की डायरेक्शन यहाँ पे कैसे होगी। तो आप अपना राइट हैंड थंब के साथ, ये थंब को करंट के साथ रखें, चार फिंगर को घुमाएं, तो ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इनसाइड लाइन ऐसे घूमेगी, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो बी वेक्टर यहां पर क्या आएगा, इनसाइड। और बेस्ट तरीका क्या बताया, थंब को करंट के साथ इनसाइड, मान लो ये पॉइंट है तो थंब इधर है इनसाइड, चार फिंगर घूम के यहां से बाहर आएंगी आउटसाइड, तो यहां पर बी वेक्टर कैसे आएगा, आउटसाइड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसकी आज प्रैक्टिस भी करेंगे हम इनसाइड आउटसाइड की आज अलग अलग न्यूमेरिकल्स में, राइट? अब इसमें B इज अ वेक्टर और वेक्टर डायरेक्शन बताता है। वेक्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो वेक्टर ऐसा होता है, आगे से बिल्कुल एरो तीखा होता है पॉइंट की तरह, और पीछे से ये क्रॉस की तरह होता है जब खींचते हैं, क्रॉस की तरह। तो सोचो इसके अंदर एरो बाहर शो कर रहा है, डायरेक्शन बाहर है, तो आपको इसका टिप दिखेगा डॉट, तो आप आउटसाइड को कैसे लिखते हैं, ऐसे जैसे एरो का ये टिप बाहर आ रहा है, डॉट, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, राइट? और जब ये एरो अंदर जाएगा इनसाइड, तो यहां पर सिंबल क्या बनता है, क्रॉस, या लिखो इनसाइड या लिखो क्रॉस, एक ही बात है, क्रॉस का मतलब यहां पर इनसाइड, डॉट का मतलब आउटसाइड। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो मेरे इस प्रॉब्लम के अंदर वापस चलते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम में मैंने मैग्नीट्यूड तो डीबी का निकाल ही दिया, अब करंट इस एलिमेंट में कहां जा रहा है, ऊपर, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो थंब करंट के साथ, और पी पॉइंट पर डायरेक्शन बी की डायरेक्शन कैसी होगी, इनसाइड, थंब करंट के साथ, तो बी वेक्टर कैसा होगा, इनसाइड। तो चेक करो आंसर क्या आएगा इसमें, इनसाइड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? और राइट हैंड से बता दिया, आउटसाइड इनसाइड का सिंबल बता दिया, और एक और रिजल्ट हो सकता है काम में आ जाए, वो क्या, जो सी होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर आएगा उसमें पता लगेगा, जो सी है स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है, वेयर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, म्यू नॉट का मतलब है परमिएबिलिटी। तो जब आप इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करते हो तो सी का मतलब क्या आता है, 3×10^8, राइट, 3×10^8। तो अगर आप सोचें कि ये वैक्यूम की वैल्यूज हैं, और अगर आप मीडियम चेंज कर दें तो एप्सिलॉन भी चेंज हो जाएगा और म्यू भी चेंज हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो, तभी तो बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में चेंज हो जाती है, पानी में अलग, ग्लास में अलग, वैक्यूम में अलग, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये काम आएगा रिजल्ट, मैंने नोट करवा दिया कभी, तो यहाँ तक क्लियर है? अब एग्जाम्पल है, एक वो कह रहा है एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर,
जिसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा एक्स आई कैप, कहाँ पर पड़ा हुआ है एट ओरिजिन। ये एक छोटा सा एलिमेंट गिवन है जिसमें आई अमाउंट, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट है 10 एम्पियर करंट है, जिसके अंदर 10 एम्पियर करंट है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आई कैप आपको क्या गिवन है डेल्टा एल गिवन है। तो ये रहा आपका डेल्टा एल, स्मॉल एलिमेंट दे दिया उसने कहाँ पर पड़ा हुआ है ओरिजिन पे, और ये डायग्राम गिवन है, और करंट की डायरेक्शन राइट की तरफ गिवन है, करंट कहाँ पर गिवन है राइट की तरफ गिवन है, राइट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, तो कह रहा है मुझे 0.5 मीटर वाई एक्सिस पर बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो बी नहीं डी भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, बाय सर्वेट लॉ, करंट अगर राइट है तो डी एल भी राइट है, आर वेक्टर ये रहा तो आर और डीएल में एंगल कितना बना 90, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। इसमें आई क्या होगा, इसमें आई की जो वैल्यू होगी वो क्या गिवन है इसमें 10 एम्पियर, इसके अंदर डीएल क्या होगा, डीएल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लो, साइन ऑफ 90 बाय आर, आर कितना गिवन है 0.5 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया डीबी आ गया। अब डायरेक्शन देख लें, करंट के साथ थंब, थंब करंट के साथ, तो बी वेक्टर कैसे आएगा बाहर, देखो ना थंब के साथ करंट है तो बी वेक्टर कैसे है बाहर, तो बाहर को क्या लिखते हैं डॉट, तो यहां लिख दो डॉट आउट ऑफ द पेपर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें?